गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में, जो पिछले सेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया था, चैप्टर सेकंड, भारत एक खोज, है ना, नेहरू जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, भारत के विषय में उन्होंने लिखा है, तो आप लोग उसको पढ़े भी थे। तो चलिए आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ देखिए बेटा, बुक शेयर कर दिए हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, दिखा? नो मैम। यस मैम। जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिखेगा, इसको आप जान लीजिए। बुक ना दिखे तो आप लोग शोर मत मचाइएगा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो बुक नहीं दिखेगा। सब लोग वीडियो अपना ऑन रखिए। हाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार भारत माता क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में जिसको हम भारत माता कहते हैं? पूरे मतलब पूरे देश का जो निचोड़ है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे नेहरू जी ने भारत को भारत माता कहा है, बताइए बेटा। कोई महक? मैम इस भारत की मिट्टी, मैम हमारा झंडा। हाँ, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे देश की जो है लोग, है ना, यहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, है ना, जो भी कुछ है, ये सभी को मिलाकर ही भारत भारत माता का रूप धारण करती है ना, सभी को मिलाकर भारत माता कहा गया है। अभिनव समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। है क्या? यस मैम। भारत माता हमारे देश की धरती है, इस धरती पे रहने वाले लोग हैं, इसकी मिट्टी है, इसकी वन संपदा है, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सभ्यता है, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब कुछ ही तो भारत माता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इकबाल के भारत से नेहरू के भारत में क्या भिन्नता और समानता है? आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था कभी इकबाल द्वारा, हिंदोस्तां हमारा, है ना, नहीं, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, है ना, और इसमें आपने भारत एक खोज नेहरू जी द्वारा लिखित यात्रा साहित्य को पढ़ा आपने, तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप बताइए कि इकबाल के भारत से नेहरू के भारत में क्या भिन्नता है, क्या क्या चीजें दोनों लोगों में भिन्नता दिखाई दे रही है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों में समानता दिखाई दे रही है। दोनों पाठ के आधार पे सोच समझ के बोलना है इसमें, तो जो लोग दोनों पाठ को ध्यान से पढ़े होंगे वही इसका उत्तर दे पाएंगे। है कोई मैम? हाँ बताइए बेटा। मैम सर, इकबाल में भारत की एक कविता के बारे में बताया गया है, और मैम नेहरू जी के इसमें मैम भारत की खोज के बारे में बताया गया है। इधर भिन्नता हो गई, समानता क्या दिख रही है? इसमें देखिए कविता का से नहीं मतलब, इसमें भारत की जो विषय में बताया गया है वो चीज देखना है। उन्होंने कविता के माध्यम से बताया, इन्होंने लेख के माध्यम से मतलब गद्य साहित्य के माध्यम से बताया, तो इसमें नहीं है। भारत की जो बारे में क्या उन्होंने बताया है, क्या दोनों लोगों में जैसी बातें बताई हैं, कौन सी ऐसी बातें दोनों लोगों में असमानता यानी भिन्नता है, उस चीज को मैं दर्शाना है। ऐसी बातें हैं भारत के बारे में जो कभी इकबाल ने, नेहरू जी ने उसको स्वीकार किया है,
दोनों लोगों की मान्यता है कि वही चीज दोनों लोगों ने कहा है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको दोनों लोगों ने अलग अलग कहा है, इस चीज को यहाँ बताना है। मैं बता बताइए थोड़ा मैम। मैम सर मोहम्मद इकबाल ने कविता में हमारी हस्ती मिट्टी नहीं इसके बारे में कहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की सभ्यता ना मिटने को कहा है। दोनों लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृत में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको कोई नहीं मिटा सकता। इस चीज को इकबाल जी ने भी स्वीकार किया है और नेहरू जी ने भी स्वीकार किया है, और भारत के जो लोग हैं, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, जिसके बारे में इकबाल जी ने भी स्वीकार किया है, उस चीज को नेहरू जी ने स्वीकार किया है, माना है पूरे देश की बारे में। तो समानता हो गई, भिन्नता दोनों में क्या दिख रही है? बताइए बेटा। मैम कुछ बातें हैं जो दोनों लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है, ऐसी कौन किस विषय की बातें हैं? बताइए बेटा। मैम ऐसी चीजें हैं जो दोनों की लोगों के विचारों में भिन्नता है। बेटा देखिए इसमें भिन्नता आपको दिखाई देगी कि कब इकबाल ने भारत की प्रशंसा की है, भारत की जो है हर दृष्टि से उन्होंने भारत की महानता और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जबकि नेहरू जी ने भारत के अंदर की जो कमियां हैं उसको भी उजागर किया है ना, और जो हमारे अंदर मतलब भारत देश के अंदर जो अच्छाई है उसको भी उन्होंने बताया है, जो बुराई है, जो कमियां है उसको भी उन्होंने बताया है। जबकि कभी इकबाल ने केवल भारत की जो है अच्छाइयों के ही तरफ इंगित किया है, इसमें उन्होंने बुराई को नहीं दर्शाया है कि हमारे देश के में क्या कमी है, किस चीज सुधारना चाहिए, है ना, इस चीज को उन्होंने नहीं दिखाया सुधरा, वो केवल जो है एक प्रशंसक कवि के रूप में ही उन्होंने भारत का वर्णन किया है, जबकि नेहरू जी ने एक आलोचक के रूप में भारत का वर्णन किया है, इसमें उन्होंने भारत के दोनों पक्षों को रखा है, यानी आलोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने भारत को देखा है तो उसकी अच्छाई और बुराई उन्हें दोनों दिखाई दी है, दोनों को उन्होंने सामने रखा है। ठीक है, आ रही समझ में बेटा बातें? यस यस मैम। चलिए तीसरा प्रश्न है, सिंध घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के चित्र अंकित होते हैं? सिंध घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? मैं तो आपके पास बुक है या नहीं पहले बताइए, अगर बुक होगा तभी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़े होंगे। ये इतना देर पढ़ने से आप जो है उसके बारे में निष्कर्ष नहीं बता सकते हैं, जब तक दो बार तीन बार उसके बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि सिंध घाटी की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, इसी सभ्यता जो हमारी भारतीय सभ्यता है। बताइए
पढ़े हैं आप लोग? यस मैम। बताइए कि आपके मन में किस प्रकार की चित्र अंकित होते हैं? शुभान बेटा वीडियो यहाँ रखिएगा। मैम वहाँ पर सभी एक रहते होंगे। हाँ एक रहते होंगे। देखिए सभ्यता सिंध घाटी की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, ध्यान दीजिए, जो खुदाई के, अभी तो उस सभ्यता तो नष्ट हो चुकी है ना, है तो नहीं दिखा है वो। उस सभ्यता सिंध नदी के किनारे पाई गई थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान पे। उसी सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता या सिंध घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वहां उसके खंडहर हमें मिले हैं, है ना, जो चीजें खुदाई के फलस्वरूप हमें मिली है उसके आधार पे हम लोगों ने निष्कर्ष लगाया है। हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खुदाई में जो जो चीजें मिली हैं उसपे जो है अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता हमारी बहुत ही विकसित सभ्यता थी, क्योंकि वहां जो अभी भी वहां खंडहर जो मिले हैं, बड़े बड़े विशाल भवनों के विशाल स्नानागार बने हुए हैं, पक्की नालियों की व्यवस्था थी, सभागार था, भंडार गृह, यानी कुल मिला के वहां पर एक व्यवस्थित क्रम से मकान बने होते थे, सड़कें बनी होती थी, गलियां थी, नालियां थी, जो कि आज हम हमारे विकसित देश में इस तरह के जो है सब लोग बना रहे हैं। वो चीज वहां 5000 वर्ष पहले जो की पुरानी सभ्यता है, तब तब ही वहां सारी चीजें विकसित थी। तो उसको पढ़कर हमारे मन में जो वर्तमान समय की जो एक कोई भी योजना बना के लोग भवन निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, तो ये योजना बना के हो रहा है। तो यह योजना हमारे सभ्यता में 5000 वर्ष पहले भी थी। उसका जो चित्र वर्तमान में है वो हमारे 5000 वर्ष पहले भी उससे अच्छी ही सभ्यता थी, वो चित्र हमारे सामने आ जा रहा है ना? Yes, ma'am. अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू जी की तरह आप अपने आप को नेहरू जी मान लीजिए। उन्होंने एक बाहरी आलोचक की नजर से भारत की समकालीन परिस्थितियों की विवेचना नजर से भारत की समकालीन परिस्थितियों की विवेचना करें। जैसे आपने पढ़ा था नेहरू जी का जो है बहुत ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई में बाहर बीता था, वो एक अंग्रेज के दृश्य भारत को देखते थे। जब यहाँ आए तो उनको जो है जो ज्ञान था उनके अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था कि उन्होंने भारत को उस दृश्य से देखना शुरू किया। वैसे अपने देश की मिट्टी से तो सबका लगाव होता, प्रेम होता है, अपने yes, ma'am. ना घर सबको प्यारा होता है, वो तो भावना उनके मन में थी ही, लेकिन पश्चिमी देश में पढ़ाई करने के फलस्वरूप जो उनके मन में जो पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव था, उन्होंने उसकी भी दृष्टि भारत को देखना शुरू किया। तब उन्हें जो भारत की अंदर क्या क्या कमियां है, परिस्थितियां क्या है उस समय की, किन कमियों के कारण हमारे सामने परिस्थितियां आई, इन सब चीजों को उन्होंने आलोचना करने वाले दृश्य देखा, है ना? तो आपको भी उन्हीं के दृश्य, एक आलोचक के दृश्य जैसे नेहरू जी ने देखा था, वैसे ही देखकर भारत की समकालीन, समकालीन का मतलब होता है जो इस समय जो परिस्थितियां हैं उसकी आपको विवेचना करना है, उसके बारे में आपको कहना है। कोई कहेगा? आप लोग भी कुछ बोलने का प्रयास कीजिए। जब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ पाएंगे? जो कुछ पढ़े हो वो सब भावनाएं, जो आपके मन में जो भावनाएं है उसको अपने बारी के द्वारा प्रकट तो करें।
बताइए बेटा, कोई भी बताए, मेरा नाम नहीं, अपने मन से बोलना, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ शब्द तो बोलो। अरे बड़े इस समय जो भारत की परिस्थितियां हैं, आपको वही तो बोलना है, अच्छी बुराई हर चीज को ध्यान में रखकर, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। नेहरू जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा भारत है तो हमारा भारत अच्छा ही है, इसमें कुछ बुराइयां नहीं है। वैसे ही आपको भी उन्हीं की दृष्टिकोण से सोचना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा हो, किसी के विरुद्ध हो, उसको केवल उसकी कमी ही दिखाई देगी, है ना? तो आपको भी उसी दृष्टिकोण से देखना है, उसकी कमियों पे, आज के परिस्थितियों में क्या कमियां आपको दिख रही है, तो आलोचक होने के नाते आप उस कमियों को दर्शाएंगे, ठीक है? यस मैम। मैम आखिरकार यह गंगा नदी इतनी पवित्र क्यों होती है? क्या यह भारत की सबसे पवित्र नदी है? आखिर क्यों इस भारत की मिट्टी इतनी पवित्र क्यों होती है? इस भारत की जनता इस मिट्टी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? इनका इतना लगाव क्यों? देखिए यहाँ पे आपको समकालीन परिस्थितियां दर्शाना है, इस समय भारत की समकालीन परिस्थितियां कैसी हैं, इस पे आपको प्रश्न ही पूछना है। परिस्थितियों को दर्शाइए आप, किस समय भारत की समकालीन परिस्थितियां क्या है इस समय। उस समय की परिस्थितियों को दर्शाना है, जैसे नेहरू जी ने दर्शाया था, उसे आप भी बता सकते हो अपने शब्दों में, उन परिस्थितियों को आप अपने शब्दों में बता सकते हो ना। जैसे भारत के अंदर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इसकी बहुत अच्छी थी, फिर भी यहाँ के लोग के अंदर आपस में प्रेम की भावना नहीं थी, लोग एक दूसरे की भावनाओं को, तब कोई तीसरा व्यक्ति कुछ कह देता था तो लोग नहीं सोचते थे कि हाँ हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, किसी तीसरे के कहने से हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यही तो हुआ, हिंदू मुसलमान भाई थे, है ना, लेकिन तीसरा ने आपस में दोनों को उलझा दिया, लोग आपस में लड़ रहे थे। एक राजा दूसरा राजा क्षत्रिय राजा थे, लेकिन एक राजा दूसरे राजा को अपने से नीच मतलब अपने उसको नीचा दिखाने के चक्कर में उससे युद्ध करते थे, अपनी अपनी सेना अपने बाहुबल सारे लगा देते थे जो हमसे आगे न बढ़ने पाए, ऐसी उनकी मानसिकता थी, नीचा दिखाने वाली। अगर ऐसी मानसिकता ना होती कि हाँ चलो हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट रहे, या उनके पास जो है उसमें वो संतुष्ट रहे, जो जिसका राज हम लिए रहे, तो तब आपस में झगड़ा ही ना होता। लेकिन बात यहाँ थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आपस में लड़ बैठे, और इसी का फायदा तीसरे लोगों ने, यानी जो बारिया आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने उठाया, उन्होंने अपना सैन्य बल बाहुबल दोनों एक के पक्ष में रख दिया और उसके साथ मिलकर युद्ध किया। तो भाई जब दो लोग साथ मिलकर करेंगे, एक अकेला रहेगा तो अकेला तो हारेगा, और जब जो हारा उसका राज लोग लेकर आधा खुद लिया, आधा जो बाहरी वाला साथ दिया था उनको दे दिए, उसके भी पास यहाँ बैठने के लिए जगह हो गई। ऐसे ऐसे करके जगह बनाता गया, साम्राज्यवाद के विस्तार होता गया। ये हमारी आपसी फूट का परिणाम था, हमारे अंदर आपसी फूट की जो भावना थी, ईर्ष्या देश की भावना थी, किसी भावना के फलस्वरूप हमें सदियों तक गुलाम रहना पड़ा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कोई
एक ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद या ना पसंद हो और क्यों? अभी तो सबका अलग अलग होगा, इस विषय पे सबको बताना है। भारत की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत पसंद है, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको ना पसंद है, कोई भी आप पहले बता सकते हैं। मैम, भारत की एक ऐसी बात जो हमें बहुत पसंद है कि यहाँ के सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं और कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करता। चलिए प्रिया, आप बताइए आपको कौन सी विशेषता बहुत पसंद है, कौन सी ऐसी बात है? मैम हम बताएं? हाँ बताइए बेटा, सबको बताना है। मैम हमें यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता यहाँ की पवित्र नदियों से लगी। अच्छा क्यों बेटा? हाँ बेटा, चलिए सुभाष बंद किए बैठे हो, चलिए बताइए कुछ बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए। आप बताइए बेटा सुभाष, कौन सी बातें आपको बहुत पसंद है भारत की? भारत में कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई भी एक बात बताएं। बोलिए बेटा। यस मैम। बोलिए बेटा। आप नहीं बोलोगे सुभाष? बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा, कुछ तो बोलो। प्रिया आप बोलिए, सुभाष आपको बोलना है, सोच लीजिए कौन सी ऐसी बात है जो भारत की आपको बहुत अच्छी लगती है। प्रिया आप बताइए। मैम हमें पहले माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करो। मैम ऑन है? ऑन है। हमें भारत विशेषता पसंद है जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते थे नहीं है, यहाँ बतवान का है। बहुत सी ऐसी बातें जो आपको अच्छी लग रही है, तो हमें भारत की एकता पसंद है क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं। चलिए अरुण आप बताइए। अरुण अरुण सुभाष, अभी लंच तो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, नो क्लास खाली शुरू होता है बस। बोलिए बेटा कुछ तो बोलो। हाँ
नहीं बोलेंगे लोग। देखिए बेटा, भारत की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती है। पहले तो यहाँ की एकता में अनेकता की भावना जो है, अनेक जात धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग जात में रहने वाले लोग हैं, फिर भी अगर जहां पर राष्ट्र की बात आती है वहां पे सभी लोग एकता के सूत्र में बंधकर देश की रक्षा करने के लिए सामने आ जाते हैं। दूसरी बात है, यहाँ के लोग एक दूसरे की सुख दुख में एक दूसरे के सहायक होते हैं ना। अगला है, यहाँ की भारत की बहने वाली जो पवित्र नदियां हैं जो हमारे देश को हरा भरा बना रखती हैं, यह चीजें बहुत पसंद है। फिर भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है यह भी हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर जैसी सुंदर घाटियां हैं जो पृथ्वी का स्वर्ग मानी गई हैं। ऐसे नापसंद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ के लोग के अंदर सहन शक्ति का अभाव है, छोटी छोटी बातों पे आपस में समझ नहीं पाते हैं और लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत कट्टरवादी हैं जो जात और धर्म के नाम पर झगड़ा करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें नापसंद भी हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए कल सवारी, ये क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेहरू जी नोट कीजिए क्वेश्चन। नेहरू जी भारत की किस बात की सबसे ज्यादा आलोचना और प्रशंसा करते हैं? कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। बुक नहीं हो नोट कर लो प्रश्न को। तीन क्वेश्चन है, पहला, दूसरा को छोड़ दीजिए, तीसरा आपके अनुसार इस पुस्तक को नेहरू जी ने भारत की खोज शीर्षक क्यों दिया है, चौथा है भारत भ्रमण के दौरान नेहरू जी ने क्या क्या देखा, क्या क्या देखने को मिला। आप लोग बुक पढ़ोगे तभी तो उसको ऐड कर पाओगे। ये तीन क्वेश्चन है जो आप लोग को लिखना है, आए समझ में? जिसके पास बुक नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी हम यहाँ बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, उत्तर पश्चिम में स्थित घाटी में मोहनजोदड़ो है। जिसके पास बुक है उनको नहीं लिखना है, अपना आंसर दीजिए। किस घाटी में मोहनजोदड़ो है? मैम सिंधु घाटी में। वेरी गुड बेटा, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो है। दूसरा है, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार ठेठ है। है क्या होगा क्या होगा यहाँ पर? मैम हाँ बेटा, फर्स्ट में तो सिंधु घाटी है ही है, सेकंड में भारतीय है।
भारतीयपन है ना? यस मैम, भारतीयपन है। किस नंबर का, किस चीज का सबसे अधिक महत्व है, जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है, यहाँ क्या हो? मैम क्या होगा? मैम मैम भारत की जनता। अब उसमें देखना पड़ेगा इसको क्या होगा। वह हमें लग रहा हुआ है इसकी सब पिता और संस्कृति। एक तरह से तुम अगला है, एक तरह से तुम खुद ही हो। तो क्या हो? भारत माता है ना। वहां विद्वान किए अरुण। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। सिंधु घाटी सभ्यता के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है। इसमें क्या होगा? मानव जीवन, मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है। भारत की जनता। हाँ बढ़िया आप बताई हो। सबसे अधिक महत्व है भारत की जनता। गामी, गामी आपका होगा भारत की जनता, यानी कामी है सिंधु घाटी, खामी है भारतीय पर, गामी है भारत की जनता, घामी है भारत माता और अंडामी है मानव जीवन है ना? देखिए बेटा बहुत तेज बार जो लग रहा है, आंधी तूफान आने वाला है। आप लोगों के यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी का वीडियो दिख नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना? यस मैम। चलिए बेटा आप लोगों का तो सेशन कंप्लीट ही हो गया है। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और फर्स्ट, ये तीनों क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, ठीक है? तो जिसके पास बुक नहीं है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना अरुण? यस मैम। स्क्रीन पे देख रहे, देख पा रहे हो ना? अभी यहाँ तो भी नेटवर्क है। यस मैम। भले आप लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर नेटवर्क है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। मैम मेरे पास बुक है। ये आपके पास? नो मैम। नोट कीजिए प्रश्न को। मैम के पास भी बुक है। अरुण, अरुण के पास आज नहीं है। मैम है। आपके पास भी है और महक के पास भी है, प्रिया के पास नहीं, नोट कर रही है। बाकी देख रहे हो, बाकी लोग जो है डिस्कनेक्ट हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी ना। चलिए प्रिया बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम सेशन एंड करें, ठीक है? कहाँ तक नोट की हम बोल दें, जल्दी से नोट कर लो। माइक बंद रखी हो मैम, फोर्थ वाला कर ले, बस हो चुका है। हाँ, भारत भ्रमण के दौरान नेहरू जी को क्या क्या देखने को मिला?
आप लोगों के यहाँ बादल गरज रहे हैं? यस मैम। आप लोग क्लास दूसरा क्लास किस टाइम में है आप लोगों का? अच्छा चलिए बेटा देखिए प्रिया, भारत भ्रमण के दौरान नेहरू जी को क्या क्या देखने को मिला? यस मैम। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बेटा।